आंसुओं में आज तक वो है ना कि खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो है ना कि खुशबू सारे शहरों में जहाँ के शहरे यारा था ये शहर, कूचे दिलदारों कूवे दिल फिगारा था ये शहर। इस शहर के दिल में एक दिल है, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय। सैकड़ों नौजवान हर साल यहाँ आते हैं, ज्ञान के यज्ञ में तपते हैं और कुंदन की तरह दहकते हुए अपने कार्य क्षेत्रों में वापस लौट जाते हैं। ۱۹۶۵ का बैच ऐसा ही एक समूह था। अगस्त 1965 में वे धड़कते दिल और सहमे कदमों से यहाँ आए, और जब वे आए तो उनकी निगाहें कमीज के दूसरे बटन पर थीं, और जब वे गए तो उनके माथे गर्व से ऊंचे थे। डेविड सलीम सौर ईरान से आया था, खिमा मुंशी और रत्ना नेहरू कश्मीर की वादियों से आए, हरमोहन सिंह और लाल सिंह पाल शिमला के पहाड़ों से उतरे थे, जयंत वसा कच्छ के रन से आया, और कुछ लोग अफीम उगाने वाले इलाके रतलाम और मंदसौर से आए। कुछ चंबल के बीहड़ों से उतरे, कुछ नर्मदा के कछार से आए। आंगन में जैसे कोई गजल की झांझर छनक रही। एक मिनी भारत था 1965 का बैच, और बैच में नेहरू गांधी और जिन्ना भी थे। कुछ लोगों को प्रोफेसर इंदिरा भार्गव पंडित और महापंडित कहते थे। कुछ लोग सांची के स्तूप की यादें लेकर विदिशा और उसके आसपास के इलाकों से आए, मालवा की महक लेकर भी लोग आए। अंसारी बर्रुकाट भोपाली से,
कुछ लोग भोपाली हो गए और कुछ लोग यहीं रच और बस गए। एसके व्यास की भोपाल में नाइट क्लिनिक मशहूर है। एसके डागा खामोश मगर दिलदार है। जब भी बेच का कोई फंक्शन होता है तो वह अपने फार्म हाउस में लंच के लिए सबको बुलाता है। संतोष और शैल गोविला मेहमान नवाज हैं। उनकी कॉकटेल पार्टी के बिना बैच की कोई पार्टी पूरी नहीं होती। इस बैच में रंग बिरंगे लोग थे। पास होने के बाद कुछ लोग अपने कार्य क्षेत्रों में चले गए, दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। होने के बाद कई लोग सरकारी नौकरी में गए, वे चीफ मेडिकल ऑफिसर बने। दिलीप विपट और आरसी शर्मा मुंबई में स्थापित और प्रतिष्ठित हैं। कुछ विदेशों में हैं। एक जौहरी इंग्लैंड का मशहूर ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जन है। दिलीप एक्विला और सुषमा की सुंदर जोड़ी है। वे 5 सितारा नर्सिंग होम के मालिक हैं। दिलीप कई सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख हैं और अब गोल्फ खेलना उनका शगल है। पास होने के बाद 1965 की रोशनी चारों ओर बिखर गई। कुछ अकादमिक क्षेत्रों में गए। वे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बने। कुछ ने अपने नर्सिंग होम खोल लिए और आज तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हैं। रेनू कैप्रिहन दिल्ली की मशहूर सोनोलॉजिस्ट है। कुछ बातें थीं फूलों से, कुछ खुशबू जैसे लम्हे थे। कुछ लोग तपती रेतों पर चले, वे आर्मी में गए। नीरा भार्गव आर्मी मेडिकल कोर में जाने वाली पहली महिला छात्र बनी। 1972 के युद्ध में अभूतपूर्व शौर्य के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने चंद्रकांत शर्मा को वीर चक्र से सम्मानित किया। एसएम लईक ने ट्रिपल एफआरसीपी किया। वे जीएमसी के पहले छात्र हैं जो एमआरसीपी के इंटरनेशनल एग्जामिनर बने। पीजीआई के प्रोफेसर एमएल दुबे ने 80 शोध पत्र लिखे। 10 किताबों में उनके मोनोग्राफ छपे। वीना वरिहोके के वैज्ञानिक आलेख का उल्लेख ग्रीक एनाटॉमी की किताब में हुआ। डॉक्टर एलिस पाल शिमला मेडिकल कॉलेज के डीन हुए। डॉक्टर विजय पंड्या पीपल्स मेडिकल कॉलेज से संबंधित डीम्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर गार्गो ने मेडिकल साइंस में पीएचडी किया। वे कई यूनिवर्सिटीज के पीजी एग्जामिनर हैं और कई तकनीकी संस्थाओं के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर भी हैं। एलपी सिंह को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन्हें फोटोग्राफी में कई पुरस्कार मिले। वर्ष 1967-68 इस बैच का स्वर्णिम काल था। एनडी गार्गव कॉलेज के महासचिव निर्वाचित हुए। उनके कार्यकाल में कॉलेज परिसर में स्टेट बैंक, पोस्ट ऑफिस और इंडियन कॉफी हाउस की शाखाएं खुली। पहली बार 4 वर्षों तक अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों का आयोजन हुआ। थर्ड ईयर के छात्र ए आर दल्ला ने इन सभी कवि सम्मेलनों का
सफल संचालन किया। 1965 के छात्र जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उन्होंने इंटर्न और हाउस सर्जन एसोसिएशन बनाया। इंटर्न और हाउस सर्जन के मानदेय दो बार बढ़े। 1972-73 में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की स्थापना हुई। डॉक्टर दल्ला और डॉक्टर गार्गो ने इसका संविधान लिखा। फिर से एक पुरजोर आवाज उठाई गई। नरोना समिति का गठन हुआ। नरोना समिति के सामने हमने सशक्त दलीलें पेश की। परिणाम स्वरूप रेसिडेंट डॉक्टरों का मानदेय सहायक शल्य चिकित्सकों के वेतन के समतुल्य हुआ। रेसिडेंट डॉक्टर को टीचिंग एक्सपीरियंस मिलने लगा और हमीदिया अस्पताल परिसर में शादीशुदा रेसिडेंट डॉक्टरों के लिए आरएफ वार्ड का आवंटन हुआ। डॉक्टर गार्गो के नेतृत्व में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। यह एक अभूतपूर्व और यादगार आयोजन था। श्री जावेद अख्तर ने डॉक्टर दल्ला की भाषा और शैली की प्रशंसा की। उन्नीस सौ 65 के बैच के लोगों ने सामाजिक क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई है। डॉक्टर ए आर दल्ला को सिकल सेल प्रबंधन के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। वे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की छत्तीसगढ़ राज्य शाखा के प्रादेशिक चेयरमैन बने। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री ए पी जे कलाम ने सिकल रोग पर लिखी उनकी किताब का विमोचन किया। नक्सल प्रभावित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए। डॉक्टर मेहताब सिंह यादव राजनीति के क्षेत्र में गए। वे दो बार विधायक और एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस बैच की कहानी डॉक्टर किरण दुक्कू के बिना अधूरी है। वे इस बैच की मैडम डिमेलो हैं। वे अच्छा वायलिन बजाती हैं और अच्छी पेंटिंग भी करती हैं। उनके अंतर्मन का सौंदर्य उनकी पेंटिंग्स में उभरता है। बैच में अच्छे रंगमंच कलाकार थे। कॉलेज के ड्रामा आज भी आंखों में समाये हैं। बीपी जैन जब स्टेच्यू बनकर खड़ा हो जाता था तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था। पिकनिक के कुछ यादें, वो चिलचिलाती धूप, वो बरसता पानी, तुम्हारा भींग जाना, वो झील का किनारा और तुम्हारा मुस्कुराना, पिकनिक की यादें रह रह कर सताती हैं। बाबे अली की मस्ती आज भी याद आती है। मिलेगी मंजिल परिंदों को, उनके पर बोलते हैं। आज मिली है मंजिल, उनके हुनर बोलते हैं। यादों का एक लंबा सिलसिला है। 1965 बैच के छात्र अब भी अपनी मातृ संस्था से जुड़े हुए हैं। बीच बीच में वे यहाँ आते हैं, अपनी यादों को दोहराते हैं और फिर से अपने कार्यक्षेत्र में लौट जाते हैं। उन्नीस सौ 65 बैच की कहानी लंबी है, दिलचस्प है, कहीं खट्टी कहीं मीठी है। कभी वो हंसाती है, कभी वो रुलाती है और कभी अपने आगोश में भर लेती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले।
बस एक ही दुआ, खुदा रहा एक बार फिर से हमें यहीं ऐसा और इसी बीच में फिर से पुनर्जन्म देना। आमीन। काली बदली छाएगी, कोयल मल्हारे।